कसम तेरे प्यार की अभी मुझे करते हुए आई थिंक 1.5 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं एंड इट्स माई ऑनर दैट आई बीन वर्किंग बालाजी टेलीफिल्म्स और उसका भी मैंने ऑडिशन दिया था उसमें फिर एकता मैम ने मुझे सिलेक्ट किया और मनप्रीत सिंह भी ऐसा कैरेक्टर दिया सो दैट मैंने बेसिकली फिल्म में थोड़ा सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं और आज तक मुझे कॉमिक फील नहीं पता था कि क्या होता है तो मनप्रीत सिंह बेदी मैंने एज अ कॉमिक एंड फन कैरेक्टर को शायद एस्टैब्लिश किया जो लोगों को पसंद आया ओके उसके बाद ये इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि टीवी के बाद फिल्में करनी है और नहीं एक्चुअली मेरी लाइफ में द थिंग इज आई हैड डन अ ड्रीम जॉब पहले और मैंने फिल्म पहले कर ली थी कसम करने से पहले बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग फिल्म्स तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था अपने टीवी को तो आई वॉज इन टू एपिसोडिक्स एंड मैं एपिसोडिक्स करता था शपथ करता था एड्स करता था बेसिकली गार्नियर पैनासोनिक रीमिंस टाटा मैंस इन सबके एड्स किए सो दैट आई वोंट बी ब्लॉक फॉर सो मेनी डेज एंड जब मेरी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई द ड्रीम जॉब विच इज रिलीजिंग नेक्स्ट वीक तो फिर मैंने अपने आप को सोचा कि यार द फिल्म इज ऑन पोस्ट प्रोडक्शन लेट्स ट्राई टीवी क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव एक्चुअली डन एवरीथिंग एज एन एक्टर चाहे म्यूजिक एल्बम हो चाहे शॉर्ट फिल्म हो चाहे पीरियड फिल्म हो चाहे बिग कमर्शियल फिल्म हो चाहे सिंगल स्क्रीन फिल्म हो या चाहे टी वी शोज हो एपिसोडिक्स हो तो आई जस्ट ट्राइड एवरीथिंग जो मुझे डेली शो प्रॉपर नहीं किया था तो वो भी टेस्ट कर लिया कि यार डेली शो इज लाइक दिस हेक्टिक आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कॉल्ड एज मुकेश महाजन इट्स एन स्टूडेंट इनिशियली देन अ बैंकर देन अ बिजनेसमैन इट्स अ जर्नी ऑफ अ पर्सन उस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया है अबाउट बैंकर्स लाइफ कि बैंकर्स के ऊपर या कॉर्पोरेट किसी भी इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एंड उसके बीच में अफेयर में लव ब्रेक होता है ब्रेकअप होता है हाउ ही लेफ्ट द कंट्री देन कम बैक एंड देन एंड में पेट्रिज्म दिखाया है दैट एंड अ कॉमन मैन कैन डू अ बिजनेस बाय डूइंग एनीथिंग व्हाइल डूइंग अ टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा चलाने वाला या कोई भी हो वो कैसे बिजनेसमैन बन सकता है तो फिल्म इज अ पार्ट ऑफ मोस्टली अबाउट बैंकर्स लाइफ द कॉर्पोरेट प्रेशर एंड रिगार्डिंग माई कैरेक्टर मुकेश महाजन इज इनिशियली बहुत सीरियस टाइप का बंदा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने बैंक ज्वाइन करता है फिर बैंकिंग के प्रेशर्स पे जाता है फिर ब्रेकअप होता है फिर हाउ ही लेव द कंट्री एंड देन अगैन कम बैक आफ्टर इंटरवल वो सब आप फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा ओके आपकी फिल्म टॉयलेट रिलीज हो रही है उसके बारे में क्या कहना है अब मैं क्या कहूँगा क्योंकि जिस इंसान के साथ मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है वो खुद मेरी इंस्पिरेशन है चाहे अक्षय सर हो या शाहरुख सर तो अगर उन लोगों के साथ मैं फिल्म रिलीज़ होना तो आई एम ग्लैड डैट मुझे इतना थोड़ा बहुत मौका मिला अगर उनकी फिल्म 90% करती हो मेरी फिल्म 10% भी करती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अभी तो मेरी तो शुरुआत ही है बालाजी के साथ में मुझे सिर्फ अभी उन लोगों को जाने हुए पूरी टीम को जाने हुए जो कि बहुत अच्छी टीम है आपके साथ कोऑपरेट करती है आज के दिन में मेरी शूट था लेकिन आई आस्क्ड फॉर द ऑफ सो दे हैव गिवन मी द ऑफ एंड फिल्म से लेके आई थिंक दिस द स्टार्ट धीरे धीरे शायद एकता मैम को मेरा मनप्रीत सिंह बेदी के बाद दूसरी फिल्मों में कैरेक्टर पसंद आए So I hope she like my work and she'll take me for the films also. You never know. Okay, what's your take on nepotism? What I feel basically, it's in every field basically. Yeah, it's not in industry. It's in everywhere, and it should be there. But on the other hand, it should not be there because if an outsider is writing to making their own path, so usme agar aapko chance milta hai, to what I believe everywhere talent works. एंड अगर किसी ने स्टैंड लिया है किसी सोचता है कि नेपोटिज्म इज गुड और बैड तो इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू आई फील के अगर मैं उस जगह होता उस जगह फैमिली का मेंबर होता और मुझे ऐसे चांसेस मिल रहे होते तो आई बी बिकॉज देयर जर्नी इज लिटिल डिफरेंट बट आई बिलीव दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी राइट सो अगर एक आउटसाइडर इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन जर्नी एंड ट्राइंग टू मेक देयर ओन नेम इट्स डिफरेंट स्टोरी एंड इफ द वन हु इज ऑलरेडी वर्किंग उसकी फैमिली ऑलरेडी उस जगह उस इंडस्ट्री में है चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे फिल्म हो या टी वी हो तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि इट्स एनी हार्म उसकी क्योंकि उसका स्ट्रगल अलग होगा जस्ट टू प्रूव शायद आई थिंक उसके साथ तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगे बिकॉज नेम्स आर एसोसिएटेड होते हैं कि यार हमारे ग्रैंडफादर ने इतना किया मेरे फादर ने इतना किया तो मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है तो आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो इट्स बैड ऑल्सो सो इट्स ओके वट एवर द जर्नी इज जस्ट एवरी वंस इंडिविजुअल जर्नी ओके बहुत सी फिल्में एक साल में बॉलीवुड में आती हैं रिलीज होती हैं
अगर मैं ड्रीम जॉब की बात करूं, क्या ऐसा खास है जो ऑडियंस को लुभाएगा? यू नो देयर आर सो मेनी फिल्म्स व्हिच कम्स इन लाइक आई अंडरस्टैंड. या 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 आई अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं ड्रीम जॉब के बारे में इसलिए मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी कभार हो जाती हैं बिकॉज आई हैव गिवन 2 years ऑफ द सेम फिल्म एंड मैंने उस फिल्म के लिए आई थिंक 12 hours की बजाय 13 hours ऑफ डे मैंने काम किया एंड मैंने हमेशा चाहे चाहे स्क्रिप्ट पे बैठना हो, वर्कशॉप्स करनी हो या डांसिंग रिहर्सल्स करने हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया. आई जस्ट डांस फॉर 12 hours अ डे एक शॉट से पहले या एक डांसिंग सीक्वेंस से पहले. एंड इट्स नॉट अबाउट द ओनली द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द फिल्म. वॉट आई बिलीव के फिल्म में कमर्शियलिज्म भी है. गाने हैं, मीका का गाना है, नकाश का गाना है, नीति मोहन, जावेद अली, इन सब ने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ों पे मैंने परफॉर्म किया. तो इट्स अ कमर्शियल फुल पैकेज फिल्म विथ विच इज़ गिविंग सम सोशल मैसेज ऑल्सो. सो वॉट आई बिलीव कि अगर इंसान ऑडियंस क्लिक करता है, रिलेट करता है फिल्म से अपने आप को, तो कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि यार हमारे साथ बैंकिंग या कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा हुआ था, ऐसा प्रेशर हुआ था और फिर ऐसा ब्रेकअप्स हुए थे एंड ऑल दैट. एंड अदर पार्ट कमर्शियलिज्म है क्योंकि गाने हैं और लव ट्रायंगल दिखाया है, लव में ब्रेकअप्स दिखाए हैं, कैसे एक्चुअल लाइफ में क्या होता है अपॉर्चुनिटी को लेके एंड इंसान कैसे प्रैक्टिकल हो जाता है बेसिकली. तो व्हाट आई बिलीव कि अगर ऑडियंस इज क्लिकिंग एंड ऑडियंस इज रिलेटिंग द फिल्म, देन द फिल्म शुड वर्क इंशाल्लाह. ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ ग्रीन जॉब? Just watch the film and decide how the film goes over because it's whatever the film it is, every individual actor performs their own good and 100% her film ke liye deta hai. This filmmaking is very different and very difficult task basically. So hum 3 ghante mein decide kar lete hain ki film achhi hai buri hai, but us achhi banana ya buri banane ke piche jitni mehnat hoti hai wo hum logo ko shayad nahi andaza hota. As an actor, as a technical team, as a person, we can able to relate it, but आप लोग देखेंगे तो शायद अपने आपको कहीं ना कहीं स्कूल डेज, कॉलेज डेज और टारगेट जो आप लोगों का अचीव करना होता है उन सब में अपने आप को रिलेट कर पाएंगे. उसमें थोड़ा सा थोड़ा का हंसी होगी, थोड़ा सा इमोशंस होंगे, थोड़ा सा ड्रामा है एंड सोशल मैसेज है. तो शायद देखेंगे तो शायद पसंद आए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ. ओके, आपने शुरुआत ही ड्रीम जॉब से की थी, उसके बाद यू केम ऑन बोर्ड ऑन न्यू प्लेइंग मंत्री. I am aiming for it. Every each and every individual same feels the same because आप टीवी करते हो, टीवी what in the last interview I have given that TV gives you immense of fame and immense of money because TV शायद हर घर घर में जाता है और लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर है TV का. Because I don't think so because कसम एंड ड्रीम जॉब से पहले भी मैंने लेकर हम दीवाना दिल की थी आरिफ अली सर की और इल्मनाती फिल्म्स की, आई दिस इज गिवन अ कैमियो इन द फिल्म. But other than that, it's not about the banners, it's not about that. It's about how people is recognizing you when you are roaming around in the road, basically. And मुझे शायद मनप्रीत सिंह बेदी ने वो दिया है फेम, तो मैं उस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ कि though I have done a film, but TV has immense power of giving fame and money, which I respect so much. Okay, so